हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट केल्टन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि आईटी सेक्टर के हमारा जो पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, उसमें आईटी सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक होना चाहिए। तो वैसा ही ये स्टॉक है केल्टन टेक्नोलॉजीज, जो कि उनके पास 1500 एम्प्लॉयज़ है और उनका जो बिजनेस है वो इंडिया के अलावा USA, यूरोप, एशिया पैसिफिक रीजन में फैला हुआ है, जो कि आईटी सेक्टर के सब काम करती है। और इनका फोकस अभी मेनली, उन्होंने बीच में कंपनी ने डिक्लेरेशन दिया था कि हम लोग यूरोप में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं USA के अलावा भी, तो उनका एक्सपांशन लगातार होते जा रहा है। फ्रेंड्स, ये कंपनी फंडामेंटली कैसी है, आइए इसके बारे में जानते हैं। फ्राइडे को भी इसमें अपर सर्किट लगा था 5% का, मतलब मार्केट जब चलता है इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और अभी भी अच्छी वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा है। फ्राइडे का इसका क्लोजिंग था 88 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 135 रुपीज़, तो अभी भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा है। इसका पी है ओनली 12 का, जो कि रीजनेबल पी पे मिल रहा है। ROCE इज 18% एंड ROE इज 17%, तो ROE और ROCE भी दोनों भी काफ़ी स्ट्रांग है। इसका EPS है 7.30, तो EPS भी अच्छा है, लुकिंग एट द रेट ऑफ ओनली 88 रुपीज़। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.20, तो कंपनी पर डेट भी बहुत ही कम है। इसका ग्राहम नंबर है 89 रुपीज़ हमें मिल रहा है 88 में, इंट्रेंसिक वैल्यू है 94 रुपीज़ हमें मिल रहा है 88 रुपीज़ में। इसका प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स के पास है 52%, FII के पास है 0.62% एंड DII के पास है 3.20%, तो इस कंपनी में FII DII का भी होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। इसका ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे केल्टन की, तो दिसंबर 20 में इसका प्रॉफिट था 22 करोड़, सितंबर 21 में प्फिट था 17 करोड़ एंड दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 18 करोड़, तो 22 करोड़, 17 करोड़ एंड 18 करोड़, तो काफ़ी कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर तो अच्छा आया ही है और अभी क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर होंगे और हम होप कर सकते हैं कि अगर इसका प्रॉफिट 18 करोड़ से 22 करोड़ के बीच में आता है तो इसमें अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स देखिए, केल्टन टेक्नोलॉजीज़ इसका 52 भी खाया था 135, तो अभी भी अच्छे रेट में मिल रहा है और मार्केट जब चलेगा तो ये शेयर हमें 150 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है। तो अभी भी 55% अपर सर्किट में क्लोज हुआ था फ्राइडे को और अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। जो लोगों का जो व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है या 6 मंथ्स टू 1 ईयर का व्यू है, वो इस शेयर को अभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब गिरा था तो ये शेयर 80-82 के नीचे गया नहीं था, तो अभी भी 88 में मिल रहा है, तो अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो थोड़े थोड़े शेयर एवरेजिंग करके आप बाय कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी से आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप होल्ड करते हैं क्या केल्टन टेक्नोलॉजीज़ को और आपने क्या रेट में बाय किया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट शेयर है आईटी सेक्टर का, जो कि आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, केल्टन टेक्नोलॉजीज़, और इस कंपनी के बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।